हेलो फ्रेंड्स, दिस इज़ पंजवानी अगेन। फ्रेंड्स, आज मैं आपको पाइथन जेंगो पे बना हुआ प्रोजेक्ट डिस्प्ले करूँगा, जिसका नाम है होम सर्विस ऑन डिमांड। ठीक है, तो इसका यूज़ क्या है? हमें ज़रूरत होती है किसी इलेक्ट्रिशियन की, कारपेंटर की, प्लम्बर की, मतलब कोई भी आपको सर्विसमैन की अगर ज़रूरत है तो वो आप यहाँ पे सर्च कर सकते हैं एंड उसको बुक कर सकते हैं। ठीक है, तो ये सब कैसे होगा मैं आपको एक बार स्टार्टिंग से इसको चला के दिखाता हूँ। ये मैंने क्लोज़ कर दिया एंड शुरू से मैं आपको सर्वर रन करके दिखाता हूँ। तो ये हमारा प्रोजेक्ट की फाइल्स हैं। अब यहाँ पे मैं CMD विंडो ओपन कर लेता हूँ, या तो आप पाईचार्म का यूज़ करके भी इसको रन कर सकते हैं। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे कमांड लिख दी पाइथन मैनेज डॉट py रन सर्वर, ताकि जेंगो का जो डिफ़ॉल्ट सर्वर है वो स्टार्ट हो जाए। ठीक है, तो आप देख रहे हैं ये सर्वर स्टार्ट हो गया है। ठीक है, जीरो वार्निंग आ रही है, यहाँ पे कोई वार्निंग नहीं है। अब मैंने इसको यहाँ से कॉपी कर लिया एंड ब्राउज़र पे जाके मैंने इस एड्रेस को पेस्ट कर दिया। तो ये आपके पास फ्रंट पेज आ चुका है, पहला पेज। ठीक है, तो ऊपर आप ये मेन्यू बार देख रहे हैं, इसमें एक होवर इफेक्ट हमने दिया है एंड दिस इज़ दी अबाउट अस पेज। ये आप देख रहे हैं अबाउट अस पेज। उसके बाद मैं आपको कॉन्टेक्ट अस पेज डिस्प्ले करता हूँ। यहाँ पे हमने एक मैप का यूज़ किया है एंड एक कॉन्टेक्ट अस फॉर्म भी आपको मिलेगा। कोई भी यहाँ से कॉन्टेक्ट कर सकता है, ये एडमिन को मैसेज चले जाएगा। ठीक है, तो मैं आपको दिखाता हूँ। मैंने कुछ नाम दिया एंड ईमेल आईडी दिया एंड जो भी मेरा मैसेज होगा वो मैं यहाँ टाइप कर दूँगा, इस सर्विस अवेलेबल। इन भोपाल सिटी। ठीक है, मैंने कुछ भी यहाँ पे मैसेज लिखा, सबमिट कर दिया, तो ये मैसेज एडमिन के अकाउंट में जा चुका है। मैं आपको दिखाऊंगा एडमिन से लॉगिन करके। और यहाँ पे आप ये नंबरिंग देख रहे हैं, इलेक्ट्रिशियन मतलब जितने भी इलेक्ट्रिशियन रजिस्टर हो चुके हैं वो काउंट होके यहाँ पे आएगा। ठीक है, तो यहाँ पे जो भी सर्विसमैन है वो रजिस्ट्रेशन कर सकता है एंड जो यूज़र है, जो सर्विस चाहता है, वो भी रजिस्टर हो सकता है। ठीक है, आप ये दो तरीके के लॉगिन देख रहे हैं, यूज़र लॉगिन। यूज़र लॉगिन में आप देखोगे, यहाँ पे आप अकाउंट क्रिएट करोगे तो आपको यहाँ पे सिलेक्ट करना है क्या आप सर्विसमैन हो या कस्टमर हो, मतलब सर्विस चाहते हो या सर्विस देना चाहते हो। ओके, पहले तो मैं आपको एडमिन से लॉगिन करके दिखाता हूँ। तो एडमिन अकाउंट में मैंने लॉगिन किया, उसके लिए मुझे एडमिन का यूज़र नेम पासवर्ड देना है, जो कि मैंने ऑलरेडी क्रिएट सुपर यूज़र कमांड के थ्रू सुपर यूज़र क्रिएट किया हुआ है। ठीक है, तो आप देख रहे हैं यहाँ पे एडमिन से लॉगिन हो चुका है एंड दिस इज़ दी होम पेज ऑफ एडमिन। और यहाँ पे आप नोटिफिकेशन देखते हैं, कोई भी अगर नया साइन अप होता है सर्विसमैन के थ्रू तो उसका डिटेल यहाँ पे आता है, पहले उसको वेरीफाई किया जाता है। तो किसी सर्विसमैन ने रजिस्टर किया है तो उसका डिटेल यहाँ पे शो हो रहा है। अब इसको या तो एक्सेप्ट या रिजेक्ट कर सकता है एडमिन, तो उसके लिए आप यहाँ पे टेक एक्शन में जाके यहाँ पे एक्शन ले सकते हैं, आपको एक्सेप्ट करना है इसको या रिजेक्ट करना है। ठीक है, और यहाँ पे आप देख रहे हैं रजिस्टर्ड यूज़र्स, कितने यूज़र रजिस्टर्ड हैं उसका डिटेल यहाँ पे आ जाएगा। आप डिलीट कर सकते हैं किसी को एंड टोटल सर्विसमैन कितने हैं उसका डिटेल यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, ये आप देख रहे हैं एक पेंडिंग यूज़र है। ठीक है, एक सर्विसमैन जिसने साइन अप किया है लेकिन उसका स्टेटस पेंडिंग है,
ठीक है, तो वही नोटिफिकेशन आपको यहाँ पे शो हो रहा है, तो आप चाहें तो यहाँ से भी इसका डिटेल देख सकते हैं और इसको एक्सेप्ट या रिजेक्ट कर सकते हैं। तो मैं इसको एक्सेप्ट कर लेता हूँ, अपडेट कर दिया, तो अब कोई भी पेंडिंग स्टेटस मेरे पास नहीं है। यहाँ पे भी आप देख रहे हो जीरो आ चुका है, कोई नहीं है। एंड अब मैं सारे सर्विस मैन को देखना चाहता हूँ, तो सभी का स्टेटस क्या है, एक्सेप्ट है। ठीक है, अब मैं अगर फिर से इस पे क्लिक करता हूँ, तो अगर स्टेटस एक्सेप्ट हो चुका है तो यहाँ पे टेक एक्शन वाला ऑप्शन नहीं आएगा। उसके बाद यहाँ से हम सारे यूज़र्स को डिस्प्ले कर सकते हैं, सारी सर्विसेज कौन कौन सी अवेलेबल हैं, जो जो हमने ऐड की हैं वो यहाँ पे डिस्प्ले होंगी, सर्विस का नाम, इमेज एंड डिस्क्रिप्शन। इसको हम अपडेट भी कर सकते हैं, जैसे मुझे यहाँ पे कुछ चेंज करना है, यहाँ पे मैं इसको एडिट करता हूँ, तो यहाँ पे ये अपने आप इमेज आ जाएगी। यहाँ पे आप क्लिक करेंगे तो इसका डिस्क्रिप्शन भी अपने आप आ जाएगा। अब जैसे लास्ट में मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे एस लगा देता हूँ, सॉरी। ठीक है, सिस्टम लिखा था तो मैंने सिस्टम्स कर दिया, अपडेट कर दिया, एंड आप देख रहे हैं यहाँ पे ही अपडेट हो चुका है। इमेज वगैरह भी आप चेंज कर सकते हैं, ओके। एंड इसी तरह डिलीट भी कर सकते हैं, और कोई नया सर्विस ऐड करना है तो ऐड सर्विस में जाके आप ये यहाँ पे सर्विस का नाम देंगे, इमेज देंगे और डिस्क्रिप्शन लिखेंगे, देन सबमिट कर देंगे, तो ये सर्विस ऐड हो जाएगी। व्यू ऑर्डर, जो भी कस्टमर ने रिक्वेस्ट की होगी किसी सर्विस मैन के लिए, जैसे कि इलेक्ट्रिशियन के लिए, वेल्डर के लिए, प्लम्बर के लिए, तो वो रिक्वेस्ट एडमिन को भी शो होगी। एडमिन भी चाहे तो उसको एक्सेप्ट या रिजेक्ट कर सकता है, और जिस पार्टिकुलर सर्विस मैन से रिक्वेस्ट की गई है उसके अकाउंट में भी एक्सेप्ट और रिजेक्ट का ऑप्शन दिया रहेगा। ठीक है, आप यहाँ से स्टेटस को अपडेट कर सकते हो। जिसका स्टेटस ऑलरेडी अपडेट हो चुका है, एक्सेप्ट हो चुका है, तो यहाँ पे ये ब्लैंक आ रहा है। ठीक है, जैसे मैं ये स्टेटस अपडेट करता हूँ, तो आप देख रहे हैं ये एक्सेप्ट हो चुका है। ये सारी डिटेल आ रही है, कि ये आप डिटेल पूरा देखना है तो यहाँ पे क्लिक करके देख सकते हैं। ठीक है, किस सर्विस मैन को बुक किया गया है उसका डिटेल, और कितने दिन के लिए, कितने समय के लिए बुक किया गया है, किस डेट के लिए बुक किया गया है, फिर किसने बुक किया है उसका डिटेल आ गया। तो ये तीनों चीज़ों का डिटेल यहाँ पे आ रहा है। एंड मैसेज, जैसे अभी मैंने एक कॉन्टेक्ट अस फॉर्म फिल करके एक मैसेज सेंड किया था, तो वो अनरीड में आता है पहले पहले ये मैसेज अनरीड में आएगा। अब ये मैंने अगर रीड कर लिया, कंफर्म कर दिया, तो ये यहाँ से हट चुका है, क्योंकि अब ये एक रीड मैसेज बन चुका है, इसको हम रीड कर चुके हैं ऑलरेडी। ठीक है, सर्च बिटवीन डेट, हम डेट के अकॉर्डिंग भी सर्च कर सकते हैं कौन कौन से ऑर्डर्स हैं। जैसे मैं आपको दिखाता हूँ, ये जो ऑर्डर्स हैं उनका डेट मैं देखता हूँ, 10 से लेके मैं सर्च कर लेता हूँ 15 तक, तो 10 से 15 तक ये दोनों रिकॉर्ड आने चाहिए। तो मैं जाता हूँ यहाँ पे, और यहाँ से मैं डेट ले लिया, 10 ले लिया, 10 से 15 तक मैं सर्च करता हूँ, तो आप देख रहे हैं ये रिकॉर्ड मेरे पास आ चुका है 14 डेट वाला। मीन्स मुझे यहाँ पे 10 की जगह 9 देना पड़ेगा, इक्वल टू को कंपेयर नहीं किया है मैंने। ठीक है, तो ये दोनों रिकॉर्ड यहाँ पे आ गए। ठीक है, मैं इक्वल टू का भी अगर लगा दूंगा कंपैरिजन में, तो जो डेट हम यहाँ देंगे 10, तो 10 भी इंक्लूड करेगा। ठीक है, तो उसको मैं अपडेट कर दूंगा। एंड अब मैं आपको दिखाता हूँ यहाँ पे, कि एडमिन जो है अपना प्रोफाइल एडिट भी कर सकता है। ठीक है, एडमिन यहाँ पे अपना प्रोफाइल एडिट कर सकता है, एंड एडमिन पासवर्ड भी चेंज कर सकता है, और यहाँ से हम इसको लॉग आउट कर देते हैं। अब मैं आपको रजिस्ट्रेशन करके दिखाता हूँ किसी यूज़र से, या फिर ऑलरेडी जो रजिस्टर मैंने किया है, पहले मैं आपको वो दिखाता हूँ। ठीक है, तो मैंने ऑलरेडी एक अकाउंट क्रिएट किया था,
उसका यूज़र नेम पासवर्ड मैं यहाँ पे देता हूँ और रजिस्टर करता हूँ। यूज़र नेम पासवर्ड सही होगा तो ये क्या है कि यूज़र है, मींस कस्टमर है जो सर्विस लेना चाहता है, तो ये कस्टमर होम पेज यहाँ पे ओपन हो जाएगा। अब ये देख सकता है कौन कौन सी सर्विसेज अवेलेबल हैं। ठीक है, यहाँ पे मैं कभी सर्विस सर्च करने वाला ऑप्शन भी लगा दूंगा और फिर से मैं इसका वीडियो एक और बनाऊंगा कि हम सिटी एंड सिटी के अकॉर्डिंग सर्विस को सर्च कर सकते हैं कि इस सिटी में ये सर्विस मैन अवेलेबल है या नहीं है, वो रिकॉर्ड्स आ जाएं। ठीक है, अभी आपको यहाँ पे सारे रिकॉर्ड्स कैटेगरी के फॉर्म में दिखेंगे। तो जैसे हमें किसी को बुक करना है, मैं यहाँ पे ये सारे आप देख रहे हैं ऑप्शन, पेंटर को अगर मैं बुक करता हूँ, ठीक है, तो ये जो भी पेंटर है जितने भी रिकॉर्ड्स होंगे वो सर्च होके आ जाएंगे, लेकिन वही आएंगे जिनका स्टेटस एक्सेप्ट होगा। बुक करना है तो आप यहाँ से बुक कर सकते हो। यहाँ पे आप बताओगे कितने किस डेट को आपको बुक करना है, किस डेट के लिए, मैंने लिखा 26, एंड कितने दिन के लिए बुक करना है, कितने ड्यूरेशन के लिए बुक करना है, 2 to 4 hours, 1 से लेके 2 घंटे के टाइम के लिए बुक करना है, 4 से 6 घंटे लग सकते हैं, तो जो भी आपको टाइमिंग सेलेक्ट करना है। तो ये बुकिंग आपका हो चुका है, अभी स्टेटस इसका पेंडिंग है। ठीक है, तो इस स्टेटस को एडमिन भी एक्सेप्ट कर पाएगा या फिर जो सर्विस मैन है वो भी एक्सेप्ट कर पाएगा। ठीक है, मैं आपको एक नया यूज़र क्रिएट करके दिखाता हूँ। ठीक है, तो यहाँ से हम न्यू यूज़र क्रिएट करते हैं, मैंने कुछ नाम दे दिया। मैंने नाम दिया एंड पासवर्ड दिया, सॉरी। ठीक है, नाम दिया, पासवर्ड दिया, उसके बाद फर्स्ट नेम दे दिया, एंड लास्ट नेम। उसके बाद मैंने यहाँ पे ईमेल आईडी दे दिया, एंड इमेज को हमें सेलेक्ट करना है, तो जहाँ पे भी आपके सिस्टम में इमेज हो उसको आप ले सकते हैं। तो मैं कोई इमेज यहाँ से सर्च कर लेता हूँ। उसके बाद मैं यहाँ पे कॉन्टेक्ट नंबर प्रोवाइड करूँगा, एड्रेस एंड सर्विस मैन या कस्टमर। तो मैं यहाँ पे पहले कस्टमर क्रिएट कर लेता हूँ। रजिस्टर किया, ओके, तो ये रजिस्ट्रेशन हो चुका है। ठीक है, अब मैं आपको यहाँ पे इससे लॉगिन करके दिखाता हूँ। तो मैंने जो भी यूज़र नेम पासवर्ड दिया था वो मुझे प्रोवाइड करना है। यूज़र नेम पासवर्ड सही होगा तो लॉगिन परफॉर्म हो जाएगा, अदरवाइज़ आपको इनवैलिड यूज़र नेम पासवर्ड का मैसेज आएगा। ठीक है, अब आप यहाँ पे देखोगे, अभी आपने कोई भी बुकिंग नहीं किया है तो यहाँ पे ब्लैंक आ रहा है। आप कोई बुकिंग करते हो, जैसे मैं बुक करता हूँ वेल्डर। ठीक है, तो ये दो रिकॉर्ड्स यहाँ पे आ रहे हैं, मैंने इसको बुक किया। बुक करने के लिए मुझे यहाँ पे डेट वगैरह सेलेक्ट करना है, किस डेट के लिए बुक करना है, कितने दिन के लिए बुक करना है और कितने टाइम के लिए बुक करना है। तो ये बुकिंग कंफर्म हो चुकी है। ठीक है, अभी स्टेटस पेंडिंग है, आप डिटेल यहाँ देख सकते हो, आपने किसको बुक किया था उसका डिटेल यहाँ पे आ जाएगा। एंड अब मैं आपको यहाँ से लॉग आउट करके दिखाता हूँ, और इस बुकिंग को हम एक्सेप्ट करते हैं। ठीक है, तो जिस सर्विस में इनको बुक किया था उससे मैं आपको लॉगिन करके दिखाता हूँ। ठीक है, तो हमने बुक किया था, आई थिंक अशोक को बुक किया था मैंने, अशोक या हरीश को बुक किया था, मैं चेक कर लेता हूँ। ठीक है, हरीश, एंड पासवर्ड भी दे दिया।
ठीक है, तो ये सर्विस मेन है, तो ये सर्विस मेन यूज़र होम पेज आ गया एंड माय ऑर्डर में जाके ये देख सकता है। अभी राहुल कुमार ने बुकिंग की थी, उसका स्टेटस यहाँ पे पेंडिंग है, तो ये स्टेटस एडमिन भी कंफर्म कर सकता है और जो सर्विस मैन है वो भी कंफर्म कर सकता है। तो इसने कंफर्म कर दिया, यहाँ पे मैसेज आ रहा है, आर यू कंफर्म फॉर एक्सेप्ट ऑर्डर, ओके। तो आप देख रहे हैं ये एक्सेप्ट हो चुका है। तो जो भी ऑर्डर्स रहेंगे सर्विस मैन के वो यहाँ पे डिस्प्ले होंगे एंड सर्विस मैन चाहे तो अपना प्रोफाइल एडिट कर सकता है, ठीक है, वो अपना आईडी कार्ड चेंज कर सकता है एंड आईडी टाइप कौन सा उसने दिया है वो बता सकता है, कितने साल का एक्सपीरियंस है, क्या सर्विस वो प्रोवाइड करता है, क्या उसका एज है, ठीक है। पासवर्ड चेंज करना है तो पासवर्ड चेंज कर सकता है, लॉग आउट कर दिया। अब मैं आपको एक सर्विस मैन से रजिस्ट्रेशन करके दिखाता हूँ। तो मैं एक नया अकाउंट क्रिएट करता हूँ और यहाँ पे नाम और पासवर्ड देता हूँ। तो मैंने नाम दे दिया एंड पासवर्ड दे दिया, उसके बाद मैंने फर्स्ट नेम दिया, देन आफ्टर लास्ट नेम, ईमेल आईडी, इमेज को सेलेक्ट कर लिया, इमेज को सेलेक्ट करने के बाद मैंने यहाँ पे कॉन्टेक्ट नंबर दिया और एड्रेस दिया सर्विस मैन, ठीक है। अगर आप सर्विस प्रोवाइड करना चाहते हो तो आप सर्विस मैन सेलेक्ट करोगे और जो सर्विस मैन रहेगा उससे जब हम लॉगिन करेंगे साइन अप करने के बाद, तो पहले उसको अपना प्रोफाइल अपडेट करना पड़ेगा। यहाँ पे देखो मैसेज आ गया, ठीक है। जब फर्स्ट टाइम आप लॉगिन करते हो तो आपको ये मैसेज आएगा, योर इन्फॉर्मेशन इज़ पेंडिंग, प्लीज अपडेट योर प्रोफाइल। तो हमने ओके किया, ठीक है, यहाँ पे लिखा है आप अपनी प्रोफाइल अपडेट करो और आपको अभी वेरीफाई भी नहीं किया गया है एडमिन के थ्रू, तो पहले तो आप अपनी प्रोफाइल को अपडेट कर लो। ये डिटेल तो आप अपना पर्सनल डिटेल तो आप डाल चुके हो, अब आपको अपना सर्विस डिटेल देना है कि आपको कितने साल का एक्सपीरियंस है। तो मैंने लिखा 3 ईयर एक्सपीरियंस एंड एज यहाँ पे हम बता देंगे विद दी हेल्प ऑफ डेट ऑफ बर्थ, ठीक है। आईडी कार्ड आप क्या देना चाहते हैं, तो मैंने पैन कार्ड लिया एंड मैं देखता हूँ अगर मेरे पास कोई इमेज होगी सिस्टम में तो मैं उसको यूज़ कर लूँगा, ठीक है। तो एक पैन कार्ड का इमेज है मेरे पास, इसको मैं लेता हूँ एंड अपडेट पे क्लिक करता हूँ, तो ये अपडेट हो चुका है प्रोफाइल, ठीक है। अब आप देखोगे यहाँ पे ये प्रोफाइल अपडेट हो चुका है, आप एडिट भी कर सकते हो, ठीक है। अब ये डिटेल यहाँ पे फिल्ड भी आएगा, पहले ये अनफिल्ड आ रहा था, ये बता रहा है कि आपने क्या सेलेक्ट किया था, सर्विस टाइप आपने क्या लिया है। तो सर्विस टाइप में यहाँ पे देता हूँ प्लम्बर की जगह में लेता हूँ इलेक्ट्रिशियन कर देता हूँ। मैं अपडेट भी कर सकता हूँ एक्सपीरियंस, जैसे मैंने 4 कर दिया, इमेज अपडेट करना है तो वो भी आप कर सकते हैं, ठीक है। तो आपका जो प्रोफाइल है वो कंप्लीट हो चुका है। अब आप अगर यहाँ पे ऑर्डर्स देखेंगे, कोई ऑर्डर नहीं है, होम पे जाते हैं तो अभी आपको दिखाएगा कि अभी आपका वेरिफिकेशन पेंडिंग है, आप कुछ टाइम बाद सर्च करें तो उसके बाद ही आपको ऑर्डर मिलेंगे। तो मैं इसको एक्सेप्ट कर सकता हूँ एडमिन अकाउंट से लॉगिन करके, जो भी सर्विस मैन होगा तो पहले एडमिन उसको वेरीफाई करेगा तभी उसको कोई उसके लिए कोई बुकिंग परफॉर्म कर पाएगा, उसको ऑर्डर दे पाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं 1 आ गया क्योंकि एक नया सर्विस मैन रजिस्टर हुआ है, तो इसको हम एक्सेप्ट कर लेते हैं, अपडेट कर दिया तो ये एक्सेप्ट हो गया। एंड आप अब देखेंगे ऑल सर्विस मैन में तो ये लास्ट में आपको ये नया सर्विस मैन यूज़र जो साइन अप किया था वो यहाँ पे आ चुका है, इसका डिटेल आप यहाँ देख सकते हैं, ऑलरेडी एक्सेप्ट किया हुआ है।
और जो भी ऑर्डर्स आए, जैसे अभी नया ऑर्डर आया था हरीश के थ्रू, वो भी यहाँ पे डिस्प्ले होगा। ठीक है, सो फ्रेंड्स, दिस इज़ अ सिंपल होम सर्विस मैनेजमेंट सिस्टम। इफ़ यू वांट द सोर्स कोड ऑफ दिस प्रोजेक्ट देन प्लीज़ कॉन्टेक्ट मी, दिस इज़ माई कॉन्टेक्ट नंबर। एंड सोर्स कोड कॉस्ट इज़ 1500 रुपीज़। इफ़ यू वांट सोर्स कोड प्लस रिपोर्ट प्लस PPT कॉस्ट इज़ 1600 रुपीज़। ठीक है, अब हम अगर ये बात करें कि कौन कौन सी टेक्नोलॉजी मैंने यहाँ पे यूज़ की है, तो मैंने पाइथन का इंटरप्रेटर यूज़ किया है विंडोज़ के लिए, एंड आईडी मैंने पाईचाम यूज़ किया है। जब मैंने कोडिंग किया तो पाईचाम को का यूज़ करके मैंने इसमें कोड किया हुआ है। एंड ब्राउज़र आप कोई भी यूज़ कर सकते हैं आउटपुट देखने के लिए। ठीक है, तो ये तो सॉफ्टवेयर्स हो गए। एंड देन आफ्टर फ्रंट एंड और बैक एंड में आपने क्या यूज़ किया है। डिज़ाइनिंग के लिए हमने HTML, CSS, Bootstrap एंड JavaScript का यूज़ किया है, और डेटाबेस हमने यूज़ किया है SQLite, जो कि पहले से इनबिल्ड होता है। हालांकि आप इसको MySQL में भी कन्वर्ट कर सकते हैं या किसी और में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। MySQL में कैसे कन्वर्ट करना है SQLite के प्रोजेक्ट को, वो भी मैं आपको एक वीडियो में ऑलरेडी बता चुका हूँ। ठीक है, तो अगर आप चाहते हैं पाइथन विथ MySQL, तो ये आप इसको भी लेके कन्वर्ट कर सकते हैं। कैसे कन्वर्ट करना है वो मैं आपको एक सेपरेट वीडियो लेक्चर में बता चुका हूँ। अगर आप मेरी पाइथन जेंगो की प्लेलिस्ट में जाएंगे तो वो वीडियो आपको मिल जाएगा। एंड हमने जो है बैकएंड में लॉजिकल लैंग्वेज जो यूज़ की है वो है पाइथन, और जेंगो हमारा फ्रेमवर्क है। ठीक है, तो आपको पाइथन का इंटरप्रेटर इंस्टॉल करना है, जेंगो फ्रेमवर्क भी इंस्टॉल करना है अगर आप इसको रन करना चाहते हैं तो। सो फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग।